दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। उनका संकल्प पत्र इस वक्त मेरे हाथ में है और इस संकल्प पत्र को पढ़ने के बाद मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला पत्र जारी किया है, झूठ का पुलिंदा जारी किया है और दिल्ली वालों को धोखा देने का फरमान जारी किया है। इस संकल्प पत्र में ये साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी योजनाएं आम आदमी के लिए चलाई जा रही हैं, वो सारी की सारी योजना भारतीय जनता पार्टी बंद करना चाहती है। बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री भाजपा बंद करना चाहती है। 20,000 लीटर पानी फ्री भाजपा बंद करना चाहती है। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री भाजपा बंद करना चाहती है। एक्सीडेंटल पीड़ित के लिए फरिश्ते योजना भाजपा बंद करना चाहती है। किसान के लिए हमारा 50,000 रुपए हेक्टेयर फसल बर्बादी के मुआवजे की योजना भारतीय जनता पार्टी बंद करना चाहती है। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की बर्बादी का पत्र इन्होंने जारी किया है, ये संकल्प पत्र नहीं है, ये दिल्ली की बर्बादी का पत्र है जो उन्होंने जारी किया है। अब एक एक करके मैं बिंदुवार बताता हूं। अगर आप बिजली पे बात करें तो इनके 38 पॉइंट में कुछ नहीं लिखा। पानी पे बात करें तो कह रहे हैं हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे। अरे तुम ही लोगों ने तो टैंकर माफिया चलाया दिल्ली में। टैंकर माफिया अगर किसी ने खत्म किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब हम आए तो 58% दिल्ली को टूटी से पानी मिलता था, पाइपलाइन नीची होती थी। आज की तारीख में 93% को पाइपलाइन के जरिए टूटी से पानी मिल रहा है। 7% जो और बचा है उसको भी हम पूरा करेंगे। टैंकर माफिया अगर किसी ने दिल्ली से खत्म किया है तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आप स्कूल नए खोलने की बात कर रहे हैं, हंसी आती है भाजपाइयों के मुंह से ये सुन के। भाजपा के राज में मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार में हजारों स्कूल बंद हुए। उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, योगी के राज में स्कूल के अंदर पाठशाला को गौशाला बना दिया, वहां गाय बकरी भैंस बांधी जाती है। आप स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, चले जाइए हरियाणा में, स्कूल आपने बंद किए, खोलने की तो बात दूर की है। आप स्कूल नए खोलने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए आप देते हैं। आप नए स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, एमसीडी में जहां 13 साल से आप विराजमान हैं, वहां पर 109 स्कूल आप बंद कर चुके हैं और वहां एमसीडी के स्कूलों में ताज पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इतनी बदहाल व्यवस्था आपने स्कूलों की रखी है। आपने सीलिंग पे बात की, हंसी आती है। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, वो कह रहा आपको मारेंगे नहीं, आपके साथ न्याय करेंगे। जिसने पूरी दिल्ली को सीलिंग के जरिए बर्बाद कर दिया, जिस सरकार ने व्यापारियों के ऊपर सीलिंग का कहर बरपाया, एक शब्द भी इनके बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया। हम लोगों का तो रिकॉर्ड है, जाकर देख लीजिएगा हमने सीलिंग के खिलाफ कितना पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी। सीलिंग के खिलाफ ये लिख रहे हैं कि हम सीलिंग से मुक्त कराएंगे दिल्ली को। भाजपा के इस झूठ पर कोई यकीन कर सकता है क्या? आज दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली का आम आदमी सीलिंग की समस्या से सहमा है, परेशान है। अगर उसके ऊपर सीलिंग का कहर किसी ने बरपाया है तो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ने बरपाया है। हेल्थ स्कीम में कह रहे हैं केजरीवाल की फरिश्ते योजना बंद कर देंगे। कह रहे हैं जो ऑपरेशन फ्री हो रहा है उसको बंद कर देंगे। दवाएं जो फ्री मिल रही है उसको बंद कर देंगे। एमआरआई जो फ्री हो रहा है उसको बंद कर देंगे। अल्ट्रासाउंड जो फ्री हो रहा है उसको बंद कर देंगे। कह रहे हैं दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लेके आएंगे। अभी आयुष्मान योजना क्या है भाई? उस आयुष्मान योजना को पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है तो 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं। आयुष्मान योजना का लाभ
उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जिनकी आमदनी महीने की 10,000 रुपए है। दिल्ली में तो न्यूनतम मजदूरी 14,000 रुपए है, तो क्या आप दिल्ली के मजदूरों को भी आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित रखना चाहते हैं? जिसके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसको भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जिसके घर में फटफटिया है, स्कूटर है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसको भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जिसका अपना निजी मकान है, उसको भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जिसके घर में लैंडलाइन है, उसको भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो ये आयुष्मान योजना लाए किसके लिए हो? किसके लिए लाओगे आयुष्मान योजना? आयुष्मान योजना किसके लिए ला रहे हो? दिल्ली वालों के लिए ला रहे हो, जहां पे न्यूनतम मजदूरी 14,000 रुपए है, उन लोगों के लिए आप आयुष्मान योजना ला रहे हो जिनको आयुष्मान योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा? पूरी दिल्ली इस आयुष्मान योजना से, इलाज से वंचित हो जाएगी अगर यहां पे आयुष्मान योजना लागू हो गई तो। क्योंकि इसकी शर्तें ऐसी हैं, इसके नियम ऐसे हैं, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि दिल्ली के एक व्यक्ति को भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, ड्रिंकिंग वाटर नोवेयर, हर तरफ पानी लेकिन पीने का पानी नहीं, ये भाजपा का फरमान है। और दिल्ली में आप पानी पे बात कर रहे हो, आपने पानी पे लिखा है, पानी आज दिल्ली का यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर है, ये किसी और ने नहीं, आपके खुद के जल शक्ति मंत्री शेखावत जी का बयान है, किसी और का नहीं, आपके जल शक्ति मंत्री का बयान है। इसलिए पानी हम स्वच्छ दे रहे हैं, 93% लोगों को टूटी से पानी मिल रहा है, 7% जो बचा है उसको भी, उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। एक बड़ी मजाकिया बात लिखी भाजपाइयों ने, कह रहे दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। 13 साल से MCD में आप बैठे हो, हरियाणा से घुसते हैं तो कूड़े का पहाड़, उत्तर प्रदेश से घुसते हैं तो गाजीपुर में कूड़े का पहाड़, हर जगह कूड़े का टीला पहाड़, कूड़ा घर बनाने वाले भाजपाई जो खुद से कूड़ा जला के उसकी वीडियो डालते हैं, जो दिल्ली को प्रदूषण कैसे बढ़ाया जाए इसकी योजना बनाते हैं, हम कहते हैं दीपावली मनाओ प्रदूषण से मुक्त होकर, तो ये कहते हैं नहीं साहब, हम लेजर शो की दीपावली में हिस्सा नहीं लेंगे, हम तो पटाखे लगाएंगे, मनोज तिवारी उसकी फोटो डालते हैं, जो प्रदूषण कूड़ा दिल्ली में फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, कूड़ा घर में तब्दील करते हैं दिल्ली को, वो कह रहे हैं हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे 13 साल से? 13 साल से कहां थे आप? दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कोई कहीं बाहर से आपको आदमी मंगाना था क्या? आप तो MCD में थे, 13 साल की MCD में आपने दिल्ली को कूड़ा घर बनाया, स्वच्छ नहीं बनाया। फिर आपने सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात की, अजीब मजाक की बात है। आप कह रहे हो सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, भैया नौकरी तुम्हारे पास, कर्मचारियों को सर्विसेज तुम्हारे पास, कर्मचारियों का जो पैसा बकाया है उसको देने का वादा 2017 के MCD चुनाव के दौरान, वो वीडियो पड़ा है मनोज तिवारी का जिसमें उन्होंने कहा था केंद्र सरकार से पैसा लाएंगे और सारे सफाई कर्मचारियों को जो उनका बकाया है उसको पूरा करेंगे। क्या हुआ उसका? अब चुनाव आया तो जुमला पत्र जारी कर रहे हो, चुनाव आया तो जुमला पत्र जारी कर रहे हो। इसके बाद महिला सुरक्षा की बात आती है, महिला सुरक्षा पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुमला पत्र में कुछ भी नहीं लिखा और यही उम्मीद थी इनसे, कम से कम अपने चेहरे को बचाने की इन्होंने कोशिश की। कैसे लिखते, कैसे लिखती वो पार्टी जो कहती थी उत्तर प्रदेश में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन योगी के राज में बलात्कार हुआ, कभी चिन्मयानंद का नाम आया, कभी कुलदीप सेंगर का नाम आया, हरियाणा में सरकार बनाने गए तो गोपाल कांडा को गोदी में बिठा लिया। भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है, इसलिए इन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात अपने इस जुमला पत्र में नहीं किया और यही उनसे उम्मीद थी, क्योंकि इनकी मानसिकता महिला विरोधी है, क्योंकि ये लोग जो भी काम करते हैं वो महिला विरोधी है। और जहां तक प्रदूषण की बात अगर हम करें, दो राज्यों में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। आप जानते हैं दिल्ली में जो 2 महीने प्रदूषण बढ़ता है उसका सबसे प्रमुख कारण पराली होता है, उस समस्या से कैसे निपटेंगे, क्या इनके पास रोड मैप है, इसके बारे में भी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र जुमला पत्र है और दिल्ली की बर्बादी की दास्तान इसमें लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुनील जी, बीजेपी ने पहले जब आप लोगों ने कई सारे की योजनाएं शुरू की थी, चाहे वो बस महिलाओं की हो या भी दूसरी योजनाएं हो, बीजेपी ये कहना है कि हम फ्री में 9th क्लास के स्टूडेंट जो लड़कियां हैं छात्रा हैं उनको देंगे और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं छात्रा। बीजेपी की किसी भी बात पर देश की जनता को यकीन नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख डाल देंगे, ना काला धन आया ना 15 लाख मिला। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, 32,000 टन प्याज इन्होंने सड़वा दी और 200 रुपए किलो प्याज बिकी, 120 रुपए किलो टमाटर बिका, 4 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई। ये वही लोग हैं जो कहते थे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे, आज देश की GDP 4.5% पहुंच गई, ग्रोसरी आइटम की खरीद में भी 25% की गिरावट आई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी हिंदुस्तान में अब तक सबसे ज्यादा 40 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज हुई है, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का NPA हो चुका है, यानी आम आदमी का 10.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को निकालकर भाजपाइयों ने बांट दिया और वो पैसा बैंकों में वापस नहीं आ रहा है। रेल हो, कोल हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, HAL हो, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट्स हो, सारे सरकारी उपक्रमों को बेचने की, पब्लिक सेक्टर्स को बेचने की इनकी तैयारी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वादे पर यकीन और भरोसा को करने लायक दूर दूर तक है नहीं और इनके इस जुमला पत्र पर दिल्ली की जनता को कोई भरोसा नहीं होगा, कोई यकीन नहीं होगा।